और 2023 में आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उससे पहले इसकी ना कुछ कमियां बता देता हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए हमारी प्यारी MT15 का एक ओनरशिप रिव्यू, हार्डकोर ओनरशिप रिव्यू बन सकते हो। मुझे आपका डे टू डे लाइफ के लिए बताऊंगा कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, 2023 में क्या आपको ये परचेस करनी चाहिए, क्या ये वर्थ करती है, क्या आपको लेना चाहिए। यह प्रॉपर एक डिटेल रिव्यू है क्योंकि मुझे इस गाड़ी को ओन करते हुए काफ़ी समय हो चुका है एंड मैंने इसको रन भी कर लिया, ऑफ रोडिंग भी कर लिया है, इससे डे टू डे लाइफ में यूज़ भी कर लिया है, मैंने विद हाइपर राइडिंग भी कर लिया है इसमें एंड मैंने इससे गाइस आप बोल सकते हो कि पहाड़ों में भी राइड कर ली है। तो कैसी है ये, विद क्लियर राइड करी है, मतलब कैसा ये परफॉर्म करती है, और अगर आप 2023 में सोच रहे हो लेने की, अगर आपका बजट अलाउ करता है लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल में एक रिव्यू बताएंगे आज इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं गाइस इसका मुझे। सो हेलो गाइस, अभी आ चुका हूं मैं गाड़ी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मीटर दिखा देता हूं, सेम इधर आओ। तो गाइस देखो हमारी गाड़ी कितना चल चुकी है, आफ्टर फर्स्ट सर्विस की बात करें तो चल चुकी है 3871 किलोमीटर, मतलब हमें अगर 130 किलोमीटर और चलाएंगे 4000 अराउंड हमने गाड़ी को चला दिया। काफ़ी अच्छा इसमें एक ओनरशिप रिव्यू निकल कर जाएगा, एक हार्डकोर ओनरशिप रिव्यू जिसे बोलते हैं ना, वो हमारी गाड़ी का निकल कर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं भाई कि मैंने इसी बाइक को क्यों परचेस करा एंड और बाइक को क्यों परचेस नहीं करा, क्या रीज़न था उसके पीछे। सबसे पहले तो बात करें देखो मेरी बजट की, मेरा बजट ना मेरे को अलाउ कर रहा था कि मैं 270 तक जा सकता था, मैं ड्यूक 250 भी ले सकता था, ड्यूक 200 भी ले सकता था एंड आराम से मैं NS भी ले सकता था, ठीक है। बट मैंने यही बाइक क्यों परचेज करी, देखो ड्यूक का ना लेने का रीज़न दो तीन रीज़न बताता हूँ फटाफट आपको। सबसे पहले तो यार ड्यूक ना थोड़ा मतलब अब हर बंदे पे हो चुकी है तो काफ़ी कॉमन हो चुकी है। दूसरी चीज़ उसमें ना छपरी का जब से टैग लग चुका है तो यार उसकी थोड़ी इमेज ही आप बोल सकते हो मार्केट वैल्यू घट चुकी है, मतलब उसका जो पहले आप बोल सकते हो गुडविल खत्म हो चुकी है, थोड़ी गुडविल कम हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं हमारी NS का। NS मैंने ना लेने के दो रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना NS देखो सस्ती गाड़ी है, मतलब सॉरी सस्ती नहीं होना चाहिए, मतलब आपके बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली, बहुत अच्छा इंजन आपको मिल जाता है 2 लाख रुपीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन NS ना लेने का रीज़न था सबसे पहला तो भाई कि NS 125 का भी सेम लुक है, 160 का भी, 200 का भी सेम लुक है, तो यार और जब से NS आई है BS3 BS4 से तो सेम ही लुक आ रहा है यार, चेंज अभी तक कुछ करा नहीं है। और उसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर नहीं दे रहे थे तो उसका जो मीटर कंसोल था ना काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लग रहा था यार मेरे हिसाब से 2023 के हिसाब से, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो थोड़ा जिसके अंदर काफ़ी फीचर्स भी हों, गुड लुकिंग हो, सब कुछ हो। और वहीं बात करें MT, ये मेरे को सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी। हाँ ये बोलने के लिए बोल सकते हो थोड़ी ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस उसके मुकाबले थी NS के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि ये 155cc की गाड़ी है। बट भाई जो इसका लुक है, लुक देखो कितना मॉन्स्टर लुक है गाइस, ठीक है। वहीं बात करें इसका माइलेज, इसका माइलेज ड्यूक से अच्छा है, ड्यूक माइलेज काफ़ी कम दे रही थी मेरे को, ये माइलेज मुझे मिनिमम 45 का देती है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम जो है बिल्कुल रश करके भी चलाऊंगा तब भी नहीं देती, क्योंकि मैंने अभी माइलेज टेस्ट करा था ना उसमें मेरा मैंने विकास भाई के साथ अपना माइलेज टेस्ट करा था विद क्लियन, तो मैंने वहाँ पे रेस्ट ड्राइविंग करी थी, मतलब थोड़ा सा हाइपर राइडिंग बोल सकते हो, ठीक है। मैंने अपना आपने देखा होगा पहाड़ में भी राइड करी थी, ऑफ रोडिंग करी थी, तो विद क्लियन मुझे 51 का माइलेज निकाल के देता। आप मेरे चैनल पर टेस्ट देख लेना, हार्ड कोर माइलेज टेस्ट, ऐसा यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं करा होगा, ठीक है। वहीं बात करें इसका, ये ना गाइस इसका जो सीन है, इसका मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि इसका देखो यामा का इंजन है ना, जो भरोसेमंद इंजन मिल जाता है भाई आपको, तो और क्या चाहिए आपको, एक भरोसेमंद इंजन मिल जाता है जो लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि गाइस ये गाड़ी का ना लुक फेस तो काफ़ी अच्छा है इसका, और ये ना एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक काइंड ऑफ बोल सकते हो, क्योंकि देखो पॉकेट फ्रेंडली काइंड ऑफ ये रीज़न होता है ना कि मुझे, मैं ले तो लेता बाइक, मैं ड्यूक भी ले लेता मान के चलो आप, लेकिन यार फिर मैं उसका फ्यूल ज़्यादा रिफिल नहीं करा पाता क्योंकि उसका माइलेज कम रहता है यार, 30 का माइलेज ज़्यादा 30 कह रहा हूँ, ये मुझे 45 प्लस का माइलेज दे रही है, मतलब 15-20 का माइलेज। और आपको पता है आज के टाइम पे फ्यूल के प्राइस कितने हाई है इंडिया में, 100 प्लस के अप्रॉक्स चल रहा है, 100 तो मिनिमम है, 98 चल रहा है नॉर्मल वाला, और थोड़ा प्रीमियम वाला भरोगे 100 प्लस आपका पेट्रोल चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका सर्विस कॉस्ट, तो काफ़ी सही पड़ता है इसका सर्विस कॉस्ट, अराउंड आप बोल सकते हो कि इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो पड़ता है 1800 to 1500, तो एक बार बोल सकते हो पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है, ठीक है। और ये गाड़ी ना थोड़ा फ्यूचरिस्टिक दिखती है, इसका जो मीटर कंट्रोल है फुल्ली डिजिटल है, इधर आप इसे मैं दिखा दो एक बार, ठीक है। तो इसका जो मीटर कंट्रोल है फुल्ली डिजिटल है, ठीक है। तो ये इस गाड़ी में चीज़ें हैं। हाँ बात करते हैं कि भाई इसके ये ऑफ रोडिंग के लिए कैसी है, टूरिंग के लिए कैसी है। देखो टूरिंग तो मैंने इससे करी है काफ़ी, हम लंबे लंबे टूर भी गए हैं, जैसे आपने देखा होगा नाग टिब्बा सीरीज, नाग टिब्बा में मैं गया था, तो काफ़ी यहाँ से दूर है भाई, 100 किलोमीटर के अराउंड है वो, ठीक है। तो वहाँ तक हम गए थे गाड़ी को, तो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, नो अंडर पावर भी फील नहीं करवा रही थी, सही फील इनने मुझे सही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया, और माइलेज भी नहीं गिरा इसका, 45 प्लस का माइलेज दे रही थी। ऑफ रोडिंग की बात करें, ऑफ रोडिंग भी मैंने करी है, अगर आपने नाग टिब्बा सीरीज नहीं देखी जाके एक बारी चेकआउट करना, उसे मैंने पूरी ऑफ रोडिंग करी है हमने, क्योंकि नाग टिब्बा में ना काफ़ी ज़्यादा खराब रास्ता है, ऊपर की साइड हम ट्रैकिंग की साइड जाते हैं ना, वहाँ पे हम जो गाड़ी ले गए थे, हमने थोड़ा अपना रास्ता शॉर्ट करने के चक्कर में वहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी ले गए थे।
तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ऑफ रोडिंग मैंने इसकी कर रही है, तो अभी मैं आपके लिए आगे चल के वीडियो भी ले आऊँगा, ठीक है। वही बात करें इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर आता है VVA टेक्नोलॉजी, तो गाड़ी काफ़ी अच्छा भागती है, परफॉर्मेंस निकाल देती है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है गाड़ी है। उसके बाद करते हैं एक और चीज़ की भाई ये गाड़ी लीन भी आप कर सकते हो, तो गाड़ी एक प्रकार से अच्छा है फुल पैकेज। और जो न्यू मॉडल है 2023 वाला मॉडल, उसमें क्या आ रखा है ना, देखो इस मॉडल में था ये मेरा 2022 मॉडल था, क्या बोलते हैं MT15 V2, आप इसके सस्पेंशन से लगा लोगे तो जो V3 है उसमें क्या आ चुका है, ऑरेंज इसमें एलॉय भी ला चुके हैं, पीछे ABS दे दिया है, LED इंडिकेटर दे दिया है, TCS दे दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और 2023 में आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उससे पहले इसकी ना कुछ कमियाँ बता देता हूँ जो मुझे लगी हैं, आपको लग भी सकती है नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे जो मुझे इसका बेकार चीज़ लगी ना गाइस वो इसका ना टेल, जो इसका ओरिजिनल टेल है, क्योंकि ना गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अगर आप देखोगे ना काफ़ी छोटी सी लगती है गाड़ी, कॉम्पैक्ट है, तो इसकी जो ओरिजिनल टेल है काफ़ी लंबी थी यार, ठीक है, तो मुझे काफ़ी बेकार लग रही थी। जब इसके ये हमने ये वाले टेल को मॉडिफिकेशन कराया ना, तो काफ़ी इसका लुक एनहेंस हो गया, लुक अच्छा लगता है देखने में। दूसरी जो कमी है इसकी ये है गाइस इसका ना हॉर्न स्विच, हॉर्न है इंडिकेटर स्विच का, तो जो ये चीज़ है ना इसकी, ये मुझे थोड़ी इसकी कमी लगी थी, क्योंकि यार देखो हॉर्न का स्विच अगर नीचे दे देते जो अभी न्यू मॉडल आया 2023 MT15 V2, ठीक है, अगर उसका हॉर्न का स्विच नीचे दे देते इंडिकेटर ऊपर देते तो वो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन उसमें भी सेम ही है, ठीक है। तो ये दो कमियाँ लगी है मुझे इसमें, और कोई ऐसा कोई कमी नहीं है। और भाई कोई सी भी गाड़ी परफेक्टली होती, चाहे वो ड्यूक होगी चाहे NS होगी, अब ये मैं सोचना मैं किसी गाड़ी को हेट कर रहा हूँ, बट मेरा पर्सपेक्टिव है सोचने का। तो 2023 में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कट टू क्लियर बताता हूँ आपको, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है भाई, अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहे हैं, आँख बंद करके इस गाड़ी को परचेस कर लो, आँख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आँख बंद करो उठा लो, वन ऑफ द बेस्ट है मैं बता रहा हूँ आपको। बोलने के लिए 150 cc है, लेकिन परफॉर्मेंस 200 cc की निकाल के देती है, तो और क्या चीज़ गाड़ी में। तो भाई यही है इस वीडियो गाड़ी का, मतलब एक हार्ड कोर ओनरशिप रिव्यू, और गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस एंड टेक केयर।